तो जिसका इंतजार था आप सभी को बहुत ही बेसब्री से, वह घड़ी आ चुकी है। यानी आपके बोर्ड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है आज, बीटे यूपी का। अभी प्रेजेंट टाइम यदि आप चेक करोगे, या शायद से शायद जब तक आप वीडियो देख रहे हो खुलने लगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इरर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जहाँ भी आप देख रहे हो, हमने गूगल ओपन कर रखा है। आप कोई भी सर्च इंजन ओपन कर लीजिए, चाहे गूगल, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये वीडियो आप कहीं भी देख रहे हो भाई, इंटरनेट से देख रहे हो, और ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे कोई ना कोई सर्च इंजन होगा। चलिए क्या टाइप करना है, बी टी ई यू पी, यहाँ पे ऐसे टाइप कीजिए बी टी ई यू पी, और जैसे ही इसे आप टाइप कीजिएगा, सर्च कर दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको आ जाएगी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ध्यान रही से आप एक बार देख लीजिए, और इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो अभी तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पे कुछ इरर्स हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने पिछले साल का कुछ यहाँ पर फॉर्मेट रखा हुआ है, तो ऐसा आपके सामने आएगा। जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने रिजल्ट पे, जो भी आप देखना चाहते हो। जैसे आप फार्मेसी के हो तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, फार्मेसी का अलग से यहाँ पे बन रखा हुआ है। यदि इंजीनियरिंग के हो, डिप्लोमा आप कर रहे हो पॉलिटेक्निक, तो उसका एक अलग है। और यदि कुछ और भी कर रहे हो, मतलब बी टी यूपी में बहुत से कोर्सेस हैं, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पर लिंक दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, और जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट कीजिएगा आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके स्क्रीन पर, मोबाइल या लैपटॉप पे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी एक चीज़ और आपको बता दूं कि फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन होगी और तुरंत नहीं खुलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो भाई थोड़ा रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं है कि एक बैग रिजल्ट आया और सभी बच्चे एक बार वेबसाइट पे टूट पड़े भाई, और इतना सर्वर बड़ा भी नहीं है, तो थोड़ा सा समस्या होगा, थोड़ा लेट लग सकता है, नहीं खुलने का समस्या हो सकती है। तो आप रात तक देख सकते हैं, या कल तक देख सकते हैं, या एक दिन बाद देख सकते हैं, दो चार घंटे में या एक दो दिन में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि थर्ड पार्टी लिंक पर क्लिक करके कहीं ना कहीं अपने डेटा को थोड़ा सा ऐसा किसी को न दीजिए, थोड़ा सा उसे बचाइए, ये जरूरी है। और इससे आपके मोबाइल में जो भी आप अपना बैंकिंग का यूज करते हो, या कुछ पर्सनल आपके डेटा, आपके पर्सनल कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, आपके बेसिक डिटेल भी अगर कहीं जाते हैं, तो वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो जब भी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से देखिए। ये था एक कंप्लीट वीडियो, और फिर भी हमें पता है कि कुछ आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी। क्या होगी भैया, रिजल्ट भाई सर प्रेजेंट थे, अब्सेंट हो गए, सर बहुत अच्छे लिखे थे फिर भी मार्क्स नहीं मिला, सर रिवोल्यूशन कैसे फॉर्म भरेंगे, या स्पुटनिक का कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, या मेरे मार्कशीट में कुछ गड़बड़ है भैया, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं 40 नंबर है फिर भी फेल दिखा रहा है, या कहीं ना कहीं 45 है फिर भी फेल दिखा रहा है, या 35 है फिर भी पास दिखा रहा है, 39 है फिर भी ऐसा पास दिखा रहा है। ऐसा काफ़ी समस्या होती है, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी होगी। तो इस तरह की समस्या का समाधान दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दिख रहा है उसको आल पे प्रेस कर लीजिए। मार्कशीट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपकी काफ़ी समस्या होंगी, सभी समस्या पे करेंगे एक एक करके डिटेल से बातें। यदि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो इस उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलिएगा। सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और शाम को मैं आने वाला हूँ इंस्टा पर लाइव, इंस्टा का यूजर आई डी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, उदित फार्मेसी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ 1-to-1 बात कर सकते हो, और आपके मार्कशीट से, आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो उसके पे करेंगे थोड़ा डिटेल से डिस्कशन, और देने का प्रयास करेंगे उसका कंप्लीट समाधान। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।